दोस्तों, अगर आप रनिंग में तेज दौड़ना चाहते हो, अपने स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो, चाहे आप स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फिट रहने के लिए रनिंग करते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी स्पीड को इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, घोड़े जैसे भागना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी गलती बताने वाला हूँ जिसको आप सुधार के अपने स्पीड में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट ला सकते हो। गलती नंबर 1, सही जूते का चुनाव ना करना। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप रनिंग करते हो या तेज दौड़ते हो तो आपको दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपने सही जूते नहीं चुने होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल धावक होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल शूज पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर हम अच्छे जूते नहीं पहनेंगे तो हमें जल्दी दर्द आएगा और हम जल्दी इंजर्ड हो जाएंगे, इसलिए हमें अच्छे जूते पहनने चाहिए। अब किस टाइप के जूते पहनने चाहिए? सॉफ्ट बॉटम वाले होने चाहिए और छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, और आपको पहनने में कंफर्टेबल लगना चाहिए। अगर आप ऐसे जूते का चुनाव करते हो तो आपके स्पीड में और इंजरी से और दर्द का जो आपका दिक्कत आती है वो बच के चलोगे। गलती नंबर 2, आलसपन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम कभी भी टाइम पर ट्रेनिंग नहीं करते हैं। मान के चलो अगर ठंड का टाइम है और 5 बजे आपको मॉर्निंग में उठना है, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है कि आज ठंड ज़्यादा है, आज ट्रेनिंग करने नहीं जाएंगे या लेट जाएंगे। सबसे पहला आपको ये आलसपन हटाना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू टाइम पर ट्रेनिंग करने जाना पड़ेगा। अपने वर्कआउट से दूर भागना। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि अगर हमारा वर्कआउट कुछ मिल रखा है तो हम ये सोचते हैं कि यार इसमें आज हमें थकान ज़्यादा होगी, मेरे से नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों, ये जो आपका आलसपन है, मोटिवेट लाना स्टार्ट करो अपनी बॉडी में, ठीक है, जुनून लाओ। जब तक आपके पीछे एक टारगेट नहीं रहेगा कि हाँ मुझे फिट रहना है, हाँ मुझे फिजिकल क्लियर करना है, हाँ मुझे स्पोर्ट में अपनी लाइफ बनानी है, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपना एक गोल बनाओ और ये आलसपन आप दूर भगाओ। गलती नंबर 3, स्टार्टिंग से ही स्पीड में भागना। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत लोग आज भी ये गलती करते हैं, सोचते हैं कि हम सीधा स्पीड में भागना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, अगर आप सीधा स्पीड में भागना स्टार्ट कर दोगे तो आपके इंजरी के चांसेस, दर्द के चांसेस, जो घुटना है, सीन पेन, एंकल, ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको एक बात याद रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी। आपको सबसे पहले नॉर्मल हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करनी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हल्की स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको स्लो स्लो वार्म अप करना है। स्लो स्लो वार्म अप करने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी हीट हो जाएगी, उसके बाद अगर आप फास्ट भागते हो तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगा। गलती नंबर 4, रनिंग करने का सही तरीका पता ना होना। दोस्तों, आज के टाइम पर भी बहुत लोगों को नहीं पता कि रनिंग करनी कैसे चाहिए। अगर आपका रनिंग एक्शन सही नहीं है, अगर आपको पता नहीं है रनिंग करनी कैसे चाहिए, तो आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपने रनिंग का एक्शन सुधार लिया, नाक से सांस ले, मुंह से सांस ले, हाथ कितना चलना चाहिए, पैर कैसे चलना चाहिए, पंजों पर रनिंग करनी चाहिए, एडी पर रनिंग करनी चाहिए, अगर ये आप जान लेते हो तो आपका 100% मैं बोल सकता हूँ कि आप ज़रूर तेज भागोगे। दोस्तों, अगर आप छोटी रनिंग करते हो, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, अगर ये करते हो तो आपका हाथ का एक्शन पूरा चलना चाहिए और आपका पंजों पे रनिंग आना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग रनिंग करते हो, जैसे 800, 1600 मीटर, 1500 मीटर या इससे ऊपर जाते हो, तो आप पूरे पैरों पे भाग सकते हो, आपको एडी पर नहीं भागना, या तो आपको वीडियो में जिस तरह दिख रहा है आप इस तरह भाग सकते हो, और आपको हाथ पूरा नहीं चलाना। जो हमारे इंटरनेशनल धावक होते हैं, आप देख सकते हो इनका हाथ कैसे चलता है, ये पूरा अपना हाथ नहीं चलाते। आपको सेम टू सेम अगर आप लॉन्ग करते हो तो आपको पूरा हाथ नहीं चलाना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नाक से सांस लें कि मुंह से सांस लें। देखो दोस्तों, YouTube पर बहुत सारी आपको इस पे वीडियो मिलती है, लेकिन क्या कहते हैं? कोई कहता है कि नाक से सांस ले, कोई कहता है कि मुंह से सांस ले। तो दोस्तों, असल तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है नाक से सांस लेना तो आप नाक से सांस ले सकते हो, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है मुंह से सांस लेना छोड़ना तो आप मुंह से ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो साइंटिफिक तरीका है, अगर नाक और मुंह दोनों का आप सांस लेने और छोड़ने के लिए यूज करते हो तो आपका रनिंग में इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हद तक इंप्रूवमेंट आ जाएगा। गलती नंबर 5, सही तरीके से वर्कआउट फॉलो ना करना। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे हम 1600 मीटर इंडियन आर्मी का मान लेते हैं। दोस्तों, आपने ये देखा होगा
कि 1600 मीटर अगर आपका फिजिकल में मांगा है तो आप सिर्फ 1600 मीटर दौड़ के घर चले जाते हो, या 5 किलोमीटर दौड़ा फिर घर चले गए, या आप फिटनेस करने आए हो 1 किलोमीटर रनिंग करा बस घर चले गए। तो दोस्तों आपको ऐसे गलती नहीं करनी, आप ऐसे कभी तेज नहीं दौड़ सकते, कभी भी स्पीड में नहीं भाग सकते। अगर आप 1600 मीटर की तैयारी करते हो तो आपको प्रॉपर 1600 मीटर का वर्कआउट फॉलो करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर का करते हो तो वर्कआउट आपको 5 किलोमीटर का करना पड़ेगा, 100 मीटर का करते हो तो 100 मीटर का, 200 मीटर का करते हो तो 200 मीटर का, 400 मीटर का करते हो तो 400 मीटर का, और फिटनेस के लिए करते हो तो फिटनेस का आपको वर्कआउट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट ढंग से फॉलो करते हो तो आपकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। गलती नंबर 6, डाइट लेने का गलत तरीका। दोस्तों बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जब दौड़ने जाते हैं तो आधे घंटे या एक घंटे पहले भरपेट खाना खा लेंगे या पानी पी के आएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना, क्योंकि उसके वजह से आपका वर्कआउट बिल्कुल नहीं होगा और पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपके वोमिटिंग का जो कारण होता है एक वही होता है। अगर आप वर्कआउट से पहले कुछ खाना चाहते हो तो कुछ भी हल्का फुल्का खा सकते हो जो आपका पेट पचा सके, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम वर्कआउट कर लेते हैं तो हम 2 घंटे बाद खाते हैं या सोचते हैं कि घर पहुंच जाएंगे तब हम कुछ ना कुछ खाएंगे या डाइट लेंगे, तो आपको ये गलती नहीं करना। अगर आप इतना लेट खाते हो तो आपकी रिकवरी नहीं होगी और जो तेज भागने का आपका सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप वर्कआउट कर लेते हो तो ट्राई करना है कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपको डाइट लेना है। दोस्तों डाइट में हम क्या क्या ले सकते हैं, काला चना, हरी मूंग, मूंगफली, किशमिश, बादाम, ये मिक्स करके हम 60-70 ग्राम डेली ले सकते हैं। इसमें हम दूध भी ऐड कर सकते हैं, अंडा भी ऐड कर सकते हैं, हरी सब्जी, फल, फ्रूट, ये ऐड हमें करना है ताकि हमारी बॉडी में अच्छा डाइट जाएगा तो जब भी हम तेज भागेंगे। गलती नंबर 7, रेस्ट ना लेना। दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हर वीक वो ट्रेनिंग करते रहते हैं और बॉडी पे लोड आना स्टार्ट हो जाता है तो उनके दर्द आना भी चालू हो जाता है, जिसके वजह से वो स्पीड में कभी नहीं भाग पाते। दोस्तों अगर आपको स्पीड में दौड़ना है तो आपको ट्राई करना है कि वीक में एक दिन रेस्ट जरूर लो ताकि आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अगर आप वीक में एक दिन मसाज करते हो अच्छे से बॉडी की तेल से तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा स्पीड में। गलती नंबर 8, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट ना करना, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों ज़्यादातर फिजिकल वाले या स्पोर्ट्स वाले क्या सोचते हैं कि हम घर पर ही अकेले ट्रेनिंग कर लेते हैं, इससे हम बहुत तेज भागना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों देखो, अपने घर पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, स्पीड में भागना है, एंड्योरेंस बढ़ाना है, स्टेमिना बढ़ाना है, तो मैं आपको राय दूंगा कि अपनी बॉडी पे आप इन्वेस्ट करो। या तो आप ऐसी एकेडमी में जाओ जहाँ पर आपका ग्रुप अच्छा मिल जाए या आपको बेस्ट कोच मिल जाए। अगर आप नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो, जिससे आप घर पे अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हो। ये इन्वेस्ट आप ज़रूर करना। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, आपको प्रॉपर वर्कआउट मिल जाएगा।